नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल अपनी क्लास में। तो दोस्तों, आज आपको बताऊंगा बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं इंटरमीडिएट परीक्षा का कृषि विज्ञान एग्रीकल्चर का एक ऐसा पेपर जो कि आपके 8 फरवरी 2020 वार शनिवार को 100% आने का चांस है। दोस्तों, जितने भी प्रश्न बताऊँगा मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे, तो दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखना। हमारे पास में 28 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, तो देखते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रबी फसल के उदाहरण है। दोस्तों, जो रबी फसल का उदाहरण है इसमें वो है हमारे पास में इनमें से सभी, यानी कि चना क्या है हमारे पास में रबी फसल का उदाहरण है, गेहूं है वो भी हमारे पास में रबी फसल का उदाहरण है, और मटर क्या है वो भी हमारे पास में रबी फसल का उदाहरण है। हमारे पास में कोई भी खरीफ या जायद फसल का उदाहरण नहीं है, ये सभी के सभी क्या है रबी फसल के उदाहरण है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे हमारे पास में दूसरा प्रश्न है, उत्तेजक फसल नहीं है। दोस्तों, उत्तेजक फसल कौन नहीं है, वो प्याज की फसल क्या है उत्तेजक नहीं है। आगे हमारे पास में तीसरा प्रश्न है, धान फसल के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी की पीएच मान कितने होती है। तो दोस्तों, ए ऑप्शन 3.5, बी 6.5, सी 8.5 और डी इनमें से सभी। तो दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि 6.5। धान फसल के लिए जो मिट्टी की जो पीएच होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 6.5 होनी चाहिए। आगे हमारे पास में चौथा प्रश्न है, जो गेहूं का वानस्पतिक नाम यानी कि बोटनिकल नाम होता है वो होता है हमारे पास में ट्राइटिकम इविस्टम। क्या होता है, ट्राइटिकम इविस्टम। आगे चलते हैं दोस्तों पांचवें प्रश्न की तरफ, भंडारण के समय धान दानों का नमी रहना चाहिए, कितना रहना चाहिए नमी उनका। तो दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि 14%। आगे हमारे पास में छठा प्रश्न है, बिहार में गेहूं के असिंचित पर भेद हेतु उपयुक्त समय कौन सा है। तो दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक। आगे सातवां प्रश्न है, चना में प्रोटीन होता है। तो दोस्तों आप सबको पता है चना में बेहद प्रोटीन होता है। दोस्तों जिस प्रकार से दोस्तों सोयाबीन में प्रोटीन होता है, उस प्रकार से चना में भी प्रोटीन होता है, लेकिन कितना परसेंट होता है वो होता है हमारे पास में दोस्तों 18 से 22%। आगे हमारे पास में आठवां प्रश्न, मसूर का स्तंभ मूल संधि गलन रोग के कारक का वैज्ञानिक नाम लिखिए। तो दोस्तों आपको पता होता है कि जो कॉलर रूट डिजीज होता है लेंटिल के अंदर, उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि स्क्लेरोशियम रोल्फसाई। क्या होगा, स्क्लेरोशियम रोल्फसाई। आगे चलते हैं नौवें प्रश्न की तरफ, नौवां प्रश्न है, सिंचाई की आवश्यकता बराबर होता है। दोस्तों नौवें का बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि जल की आवश्यकता, प्रभावी वर्षा पतन और भूमिगत जल का योगदान तीनों मिलकर के क्या करते हैं, सिंचाई की आवश्यकता पूरी करते हैं। आगे हमारे पास में दसवां प्रश्न है, गेहूं फसल की जल की कुल आवश्यकता कितनी होती है। दोस्तों दसवीं का बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि 28 सेंटीमीटर। आगे हमारे पास में ग्यारहवां प्रश्न है, फसलों को खरपतवारों से हानि के उदाहरण है। दोस्तों ग्यारहवीं का बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं के मॉडल पर पाने के लिए आज ही विजिट करें rklr.in, इस वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 12वां प्रश्न है, आलू परिवार के खरपतवार के उदाहरण है। दोस्तों आप सबको पता होगा कि आलू को क्या कहते हैं वैज्ञानिक भाषा के अंदर, उसे कहते हैं क्या, सोलेनम। क्या कहते हैं, सोलेनम। और जो आलू परिवार की जो कुल है उसे क्या कहते हैं, सोलेनेसी कहते हैं। क्या कहते हैं, सोलेनेसी। आई बात समझ में। तो 12वें का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, वो जो खरपतवार है आलू परिवार का, वो है सोलेनम नाइग्रम। क्या है, सोलेनम नाइग्रम, यानी कि 12वें का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 13वां प्रश्न, फसल अवशेषों के पुनर्चक्रण के लाभ हैं। दोस्तों देखो, पहले चना बीजते हैं, चने के बाद में ग्वार बीजते हैं, ग्वार के बाद में मूंगफली बीजते हैं। ये क्यों बीजते हैं दोस्तों हम, क्योंकि आपको पता है मूंगफली का भाव तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन हम लगातार मूंगफली क्यों नहीं बीजते, क्योंकि हम फसल चक्रण क्यों करते हैं। तो 13वें का बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि इनमें से सभी। क्या होता है कि जो मृदा की उर्वरा शक्ति होती है उसमें सुधार होता है, मृदा के भौतिक गुणों में सुधार होता है, और साथ ही फसल की उत्पादकता में वृद्धि होती है। दोस्तों इसलिए हम क्या करते हैं, फसल पुनर्चक्रण करते हैं। आगे हमारे पास में 14वां प्रश्न है, कृषि विपणन में शामिल होने वाले कार्यकर्ता हैं। दोस्तों 14वें का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि कमीशन एजेंट, व्यापारी, ग्रामीण व्यापारी और थोक व्यापारी क्या होते हैं, सभी के सभी क्या है, कृषि विपणन में शामिल होने वाले कार्यकर्ता है। आगे पोमोलॉजी, पोमोलॉजी को क्या कहते हैं, फल विज्ञान। शब्द कहां से लिया गया है, दोस्तों 15वें का बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि लैटिन भाषा का एक शब्द है पोमोलॉजी, इसका अर्थ होता है कि फल विज्ञान। आगे 16वां प्रश्न है हमारे पास में, फसलों के अनुकूलशीलता की प्रक्रिया का एक अभिन्न पहलू है। दोस्तों विकास और प्राकृतिक चयन क्या है, फसलों की अनुकूलता की प्रक्रिया की एक अभिन्न पहलू है। 17वां प्रश्न, मौसम के आधार पर सब्जियों का वर्गीकरण है। दोस्तों 17वें का बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि ग्रीष्मकालीन, वर्षाकालीन और शीतकालीन क्या है हमारे पास में, मौसम के आधार पर सब्जियों का
वर्गीकरण है। आगे हमारे पास में 18वां प्रश्न है, अंगूर हेतु संघाई की विधि है। 18वीं का तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि खंबा विधि और टेलीफोन विधि क्या है, अंगूर हेतु क्या है, संघाई की विधि है, यानी ए और बी बिल्कुल करेक्ट होंगे, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे 19वां प्रश्न हमारे पास में, पपीता का उभयलिंगी प्रजाति स्थल है, वो है पूसा डेलिसिस, पूसा ड्वार्फ, CO2 और पिंक फ्लैश स्वीट। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर 19वें का होगा बिल्कुल, तो यहाँ पे दोस्तों ए ऑप्शन यानी कि पूसा डेलिसिस क्या होगा, पूसा डेलिसिस। 20वां प्रश्न हमारे पास में, बिहार कृषि महाविद्यालय सबौर भागलपुर द्वारा विकसित आम की किस्म कौन सी है। दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि प्रभाशंकर, महमूद बहार और क्या है हमारे पास में मेनका, ये सभी किस्म क्या है, ये हमारे पास में आम की किस्में हैं जो कि बिहार कृषि महाविद्यालय सबौर भागलपुर में विकसित की गई हैं। 21वां प्रश्न, भारत के किस राज्य में लीची सबसे पहले पककर तैयार होता है। दोस्तों 21वें का बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि त्रिपुरा। आगे हमारे पास में 22वां प्रश्न है, गाजर की एशियाई किस्म है। दोस्तों गाजर की जो एशियाई किस्म है वो हमारे पास में पूसा केसर और पूसा रुधिर है, यानी कि बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि ए एंड बी दोनों। आगे 23वां प्रश्न, आलू में हरापन का कारण क्या होता है। दोस्तों आलू में जो हरापन का कारण होता है वो हमारे पास में क्या होता है दोस्तों, यानी कि एक तो होता है हमारे पास में बैक्टीरिया, क्योंकि आपको पता है साइनो बैक्टीरिया आएगा तो हरा तो आएगा ही, फफूंद भी होती है दोस्तों, फफूंद भी हमारे पास में हरे प्रकार की होती है और पोषक तत्वों में कमी भी होती है, और क्या है डी क्या है, सूर्य के प्रकाश से। तो दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ये देखो बैक्टीरिया, माना बैक्टीरिया होता है हरा, लेकिन आलू के ऊपर थोड़ा बहुत आता है ना, लेकिन सूर्य के प्रकाश में जब प्रकाश संश्लेषण होता है तब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है जबकि ऑक्सीजन की कमी होती है, जिससे क्या होता है पौधा होता है वो हरा दिखने लगता है। तो आलू क्या होगा, हरा होगा, किसके कारण, सूर्य के प्रकाश के कारण। आगे हमारे पास में 24वां प्रश्न है, लताएं क्या है। तो लताएं क्या है दोस्तों, 24वें का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा, यानी कि वो टीनर्स हैं, क्रीपर हैं और हमारे पास में क्या है, रेम्बलर्स हैं। आगे हमारे पास में बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। 25वां प्रश्न हमारे पास में, गुलाब के सफेद किस्म कौन से हैं। तो 25वें का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि जून ब्राइड क्या है, गुलाब की सफेद किस्म है। आगे 26वां प्रश्न, रात की रानी का वनस्पतिक नाम बताना है, बोटनिकल नाम बताना है रात की रानी। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि सिस्ट्रम नॉक्टर्नम, क्या होगा, सिस्ट्रम नॉक्टर्नम। आगे हमारे पास में 27वां प्रश्न है, परिरक्षण प्रक्रिया में सब्जियों को आर्द्रता तक सुखाया जाता है। तो 27वें का बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 10 से 12%। आगे लास्ट और अंतिम प्रश्न है हमारे पास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। तो दोस्तों 28वां प्रश्न, श्रव्य दृश्य प्रसार की शिक्षा की विधियां कौन कौन सी है। दोस्तों वो है हमारे पास में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से क्या होता है कि हम किसी आदमी को सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, यानी कि सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, श्रव्य दृश्य प्रसार शिक्षा विधि है। दोस्तों ये हमारे पास में एग्रीकल्चर कृषि विज्ञान का बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं इंटरमीडिएट का पेपर था। इसके आने का चांस 8 फरवरी 2020 वार शनिवार को 100% है। तो दोस्तों आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे एडवर्टाइज दिया गया है वो भी जरूर देखना। तो स्टूडेंट्स यदि आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स के किसी भी प्रश्न में प्रॉब्लम आ रही है तो आप जाइए डाउटनट के व्हाट्सएप नंबर 8400400400 पर, वहाँ पर अपने प्रश्न का फोटो भेजिए, तुरंत ही आपको उस प्रश्न का उत्तर हल सहित वीडियो द्वारा मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें।